सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स, इनके नाम से ही साफ साफ पता लग रहा है आपको कि सेमी कंडक्टर्स वो जिनकी कंडक्टिविटी कम है, जिनकी कंडक्टिविटी सेमी है। सेमी का मतलब उतनी नहीं है जितनी की होती है। किसकी होती है? मेटल्स की होती है। सेमी कंडक्टर्स कौन मटेरियल है जो पूरी तरह से इंसुलेटर भी नहीं है, पूरी तरह से इंसुलेटर भी नहीं है। इनकी जो कंडक्टिविटी है, और कंडक्टिविटी में भी हम कौन सी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दिस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? लार्जर देन इंसुलेटर्स। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लार्जर देन इंसुलेटर्स है, लेकिन क्या है साथ में? मच लेस देन क्या? दैट ऑफ मेटल्स। मेटल्स से तो बहुत कम है, मेटल्स की कंडक्टिविटी से बहुत कम है इनकी कंडक्टिविटी, लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा है। यानी पूरी तरह से नॉन कंडक्टर भी नहीं है ये, और गुड कंडक्टर भी नहीं है। नॉन कंडक्टर भी नहीं है, गुड कंडक्टर भी नहीं है। और ऐसे तीन एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, सिलिकॉन, Si, ठीक है, जर्मेनियम, जीई, और एक है गैलियम, जीए। ये तीन सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम। ये तीनों ही सेमीकंडक्टर हैं। इनमें भी हम सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो सिलिकॉन का होता है, जर्मेनियम का भी होता है, गैलियम का सबसे कम होता है यूज, क्योंकि गैलियम जो है वो मरकरी के जैसा लिक्विड स्टेट में होता है। जैसे मरकरी लिक्विड स्टेट में, मरकरी तो बिल्कुल ही लिक्विड स्टेट में है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, जरा सा बढ़ते ही लिक्विड हो जाता है। तो इसलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम ज्यादा यूज होता है। दूसरे कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं गैलियम यूज करने में, लेकिन गैलियम का भी यूज होता है, बहुत कम यूज होता है एज सेमीकंडक्टर। ठीक है, तीनों के तीनों ही आपको पता है। ये किसके एलिमेंट है? ये 14 ग्रुप के एलिमेंट है, जिसे हम बोलते हैं क्या? कार्बन ग्रुप। जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन ग्रुप। कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, गैलियम, और फिर उसके नीचे जो लेड है वो तो बढ़िया कंडक्टर हो ही जाता है। एक ही ग्रुप है पूरे पीरियडिक टेबल में जिसमें कि ये 15 ग्रुप है, 14 ग्रुप है, ये 14 है, 14 ग्रुप है ये, है ना? लेकिन इसमें से गैलियम है, सॉरी, ये तो 14 ग्रुप के दोनों, का लेकिन ये गैलियम जो है ये 15 ग्रुप का है, 15 ग्रुप का है गैलियम। सिलिकॉन जर्मेनियम 14 ग्रुप के आगे दोनों, ठीक है। 14 ग्रुप आपका कार्बन ग्रुप कहलाता है, कार्बन कार्बन फैमिली है, और इसमें से कार्बन जो है वो या तो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। कार्बन या तो गुड कंडक्टर है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, या फिर बैड कंडक्टर है इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। मतलब बैड कंडक्टर भी नहीं कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। लेकिन कार्बन कभी भी सेमीकंडक्टर नहीं होता, सेमीकंडक्टर सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम ही है। इन सेमीकंडक्टर्स की एक और प्रॉपर्टी है, इन सेमीकंडक्टर्स की एक और प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है इनकी? कि एट एब्सोल्यूट जीरो, एट जीरो केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो, एट जीरो केल्विन दे आर इंसुलेटर्स। जीरो केल्विन पर ये इंसुलेटर बन जाते हैं। जीरो केल्विन पर इनकी कंडक्टिविटी भी जीरो हो जाती है। जीरो जीरो केल्विन पर ये
पूरी तरह से नॉन कंडक्टर्स बन जाते हैं। इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कुछ होती ही नहीं है। कब? 0 डिग्री सेल्सियस पर, वो सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 केल्विन पर ये इंसुलेटर बन जाते हैं। इनमें इनकी कंडक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, कंडक्टिविटी रहती नहीं इसकी बिल्कुल भी। क्यों होता है वो सब हम आगे अभी पढ़ेंगे।